कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे आज बफर से मेटल बाजार के बारे में, जानेंगे मेटल बाजार में, दिल्ली मेटल बाजार के बारे में बात करेंगे, बेस मेटल में किस तरह का कारोबार और ट्रेंड देखा जा रहा है, किस तरह का कारोबार और ट्रेंड मुंबई के बाजारों में चल रहा है, एलएमई और एमसीएस की कीमतों के बारे में बात करेंगे, बात करेंगे ट्रेडिंग रेंज यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बारे में। मगर से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही वह नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मेटल बाजार के बारे में अगर बात करी जाए, मेटल बाजार में तेजी के साथ ही कारोबार देखा जा रहा है। मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। कारोबार देखा जा रहा है, कल के दिन भी बाजारों में तेजी के साथ कारोबार बेस मेटल में देखा गया और आज भी कुछ खास गिरावट का माहौल नहीं बना हुआ है। कीमतों के बारे में बात करते हैं, एलएमई की कीमतें कॉपर में 7,745 रुपए रही है, 642 रुपए एमसीएस का रेट कॉपर में चल रहा है, एल्यूमिनियम की कीमतें 2,461 रुपए एलएमई में देखी गई है, 213 रुपए एमसीएस का रेट एल्यूमिनियम में देखा गया है, लेड की कीमतें 2,021 रुपए एलएमई में चल रही है, 176 रुपए एमसीएस का रेट लेड में देखा गया है। जिंक की कीमतों के बारे में बात करते हैं, एलएमई का रेट 3,176 रुपए चल रहा है, 286 रुपए एमसीएस की कीमतें जिंक में देखी गई हैं। गोल्ड और सिल्वर और क्रूड ऑयल में भी तेजी बरकरार है, गोल्ड का रेट 1,760.90 रुपए चल रहा है कॉमेक्स में और 51,380 रुपए एमसीएस की कीमतें गोल्ड में देखी गई है। सिल्वर का रेट कॉमेक्स में 20.07 रुपए है और एमसीएस का रेट 58,010 रुपए बाजारों में देखा गया है। इसके बाद क्रूड ऑयल के बारे में बात करते हैं, तो 96.70 रुपए क्रूड ऑयल की कॉमेक्स में कीमतें हैं, 7,689 रुपए एमसीएस का रेट क्रूड ऑयल में देखा जा रहा है। इसके बाद अगर दिल्ली मेटल बाजार के बारे में बात करी जाए, तो दिल्ली मेटल बाजार में बेस मेटल में काफी अच्छी खासी तेजी के साथ कारोबार देखा गया है। कॉपर की कीमतें एक बार फिर से 700 रुपए पार कर चुकी है, कॉपर सुपर एचडी का रेट दिल्ली मेटल बाजार में 708 रुपए है, कॉपर केबल स्ट्रिप की कीमतें 679 रुपए चल रही है, कॉपर आर्मेचर का रेट 668 रुपए देखा गया है, एल्यूमिनियम बर्तन की कीमतें 183 रुपए है, एल्यूमिनियम वायर स्ट्रिप का रेट 200 के पार जा चुका है, 212 रुपए इसका रेट चल रहा है, एल्यूमिनियम पुर्जे की कीमतें 154 रुपए बाजारों में देखी गई है। जिंक के बारे में बात करते हैं, जिंक हिंदुस्तान का रेट 294 रुपए है, लेड की कीमतें 177 रुपए है, LIBG का रेट दिल्ली मेटल बाजार में 191 रुपए है, बैटरी स्ट्रैप की कीमतें बाजारों में 96.114 रुपए रही हैं, निकल का रेट 1980 रुपए रहा है, टिनागे की कीमतें 2,240 रुपए देखी गई हैं, ब्रास पीतल की कीमतें 474 रुपए देखी गई हैं और SS बर्तन स्ट्रैप का रेट बाजारों में आप 64 रुपए देख कर चल सकते हैं। मुंबई के बाजारों में भी अच्छी खासी तेजी के साथ ही बेस मेटल में कारोबार देखा गया है। कॉपर केबल स्ट्रैप की कीमतें मुंबई के बाजारों में 648 रुपए है, कॉपर आर्मेचर का रेट 634 रुपए है, ब्रास स्ट्रैप की कीमतें 465 रुपए है, एल्यूमिनियम टेंस स्ट्रैप का रेट 169 रुपए है। इंगट के बारे में बात करते हैं, जिंक इंगट का रेट 279 रुपए है, लेड इंगट की कीमतें 150 रुपए है, टिन इंगट की कीमतें 2,200 रुपए चल रही है, निकल कैथोड का रेट 1,950 रुपए मुंबई के बाजारों में देखा गया है। तो बाजारों में जो तेजी कल के दिन देखी गई थी, अमेरिका द्वारा जो फेड की मीटिंग में इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया, ब्याज दरें जो बढ़ाई गई, उसका असर आप भारतीय बाजारों पर, खास तौर से मेटल बाजार पर देखकर चल पाए। बाजारों में तेजी के साथ कारोबार हुआ और आज भी बाजारों में तेजी बरकरार है। अब बात करते हैं खरीदारी करने के लिए ट्रेडिंग रेंज यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बारे में। तो कॉपर में एक अच्छा सपोर्ट का लेवल 663 रुपए, रेजिस्टेंस लेवल 675 रुपए चल रहा है, लेड में एक अच्छा सपोर्ट का लेवल 176 रुपए, रेजिस्टेंस लेवल 178 रुपए देखा गया है। जिंक के बारे में बात करते हैं, तो जिंक में एक अच्छा सपोर्ट का लेवल बाजारों में 286 रुपए है, रेजिस्टेंस लेवल बाजारों में 300 रुपए चल रहा है, और अगर निकल के बारे में बात करी जाए, एक अच्छा सपोर्ट का लेवल निकल में 1,950 रुपए है, रेजिस्टेंस लेवल बाजारों में 2,030 रुपए देखा जा रहा है। तो बाजारों में काफी तेजी के साथ कारोबार देखा गया है बेस मेटल में, खास तौर से कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, निकल, इन सभी में काफी अच्छी खासी तेजी के साथ बाजारों में कारोबार हुआ है। और बाजारों में जो तेजी देखी जा रही है, उसको देखते हुए हमारी सलाह आपके लिए यही है कि बाजारों में जिनको हमने खरीदारी करने की सलाह दी थी, इसमें वो ऊपरी स्तर पर अब सतर्क जरूर रहें और टाइम आने पर अपना प्रॉफिट बुक करते हुए जरूर चलें। ओवरऑल बाजारों के ट्रेंड के बारे में बात करते हैं, तो ट्रेंड इस वक्त बाजारों में बेहद पॉजिटिव नजर आ रहा है। आने वाले समय में एक्सपायरी खत्म होने के बाद नए महीने की शुरुआत में आपको और भी अच्छी खासी तेजी बाजारों में देखने को मिल सकती है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।